संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में नजर आएगी आलिया ऋतिक की जोड़ी। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट नजर आएंगे शेल्फ प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह में। दोस्तों आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली जो है वो इस प्रोजेक्ट को सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, पर क्योंकि सलमान खान ने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया है, क्योंकि सलमान खान का ये मानना है कि संजय लीला भंसाली को जो प्रोजेक्ट बनाना है वही वो बनाएंगे और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे वजह से वो किसी प्रोजेक्ट को घाई घाई में बनाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली और सलमान खान का जो रिश्ता है, जो कोलैबोरेशन है, वो बड़े ही आइकॉनिक रहे हैं। फिर वो डायरेक्टोरियल डेब्यू ही क्यों ना हो संजय लीला भंसाली का, या फिर क्यों ना हो संजय लीला भंसाली ने बनाई हुई आइकॉनिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम। दोस्तों आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली इंशाअल्लाह इसलिए अब करना चाहते हैं क्योंकि ये एक मॉडर्न लव स्टोरी है, जहां पर एक छोटी उम्र की लड़की जो है वो एक बड़े उम्र के मर्द के साथ प्यार के रिश्ते में रहना चाहती है। तो ये बहुत ही एक मॉडर्न लव स्टोरी कहलाई जाएगी और इसलिए संजय लीला भंसाली चाहते हैं कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो। पहले तो वो चाहते थे कि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन ये पेयरिंग सामने आए, पर क्योंकि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन ऑलरेडी दो फिल्में कर रहे हैं बैक टू बैक, इसलिए उन्होंने चुना है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को इंशाअल्लाह इस फिल्म के लिए। अब ये देखना है कि इंशाअल्लाह ये फिल्म कितने जल्दी हम सभी को देखने मिलती है। आप कितने एक्साइटेड है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन ये हटके जोड़ी को देखने के लिए बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। अजय देवगन ने दिया अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन फिर एक बार डेब्यू करने जा रहे हैं और ये डेब्यू हो रहा है उनका डिज्नी हॉटस्टार स्पेशल्स के एक शो के साथ और OTT पर फर्स्ट टाइम हमें देखने मिलने वाले हैं अजय देवगन। दोस्तों आपको बता दूं अजय देवगन ने इस बात को अनाउंस करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटा सा मूविंग पोस्टर और उसी के साथ साथ एक स्टिल पोस्टर भी शेयर किया है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि दिस इज गोइंग टू बी द थ्रिलर ऑफ द ईयर। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जरूर एक किलर शो होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस शो का नाम है रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि अजय देवगन जो है वो एक स्पाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, बट ये अंदाजा तो मैं लगा रही हूँ। आपको क्या लगता है पोस्टर्स देखने के बाद जरूर बताइए, क्योंकि अजय देवगन करने जा रहे हैं डेब्यू दोबारा। आपको ये सरप्राइज कैसे लगा अजय देवगन की तरफ से आया हुआ बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। असीम रियाज जल्द ही नजर आएंगे इस एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए एक नए प्रोजेक्ट पर। चलिए बताते हैं आखिरकार ये एक्ट्रेस कौन है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि असीम रियाज बिग बॉस सीजन 14 के बाद से ही एक सेंसेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और एक उभरता हुआ सितारा उनके अंदर दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि असीम रियाज जो है अब काम करने जा रहे हैं नन अदर देन बट हॉट एंड सेक्सी दिशा पाटनी के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिशा पाटनी की जो फैन फॉलोइंग है वो भी एक बड़े नंबर में है, और अगर ये दोनों भी जो एक फिटनेस आइकन्स माने जाते हैं एक तरीके से यूथ के अमंग, ये दोनों भी एक साथ आते हैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक किलर पेयरिंग साबित होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि खबरों की अगर मानी जाए तो असीम रियाज और दिशा पाटनी एक साथ नजर आने वाले हैं एक एडवर्टाइजमेंट में जो जल्द ही शूट होने वाला है। इसी के साथ साथ ये बता दूं आपको कि खबरें ये भी है, पर इस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, कि शायद असीम रियाज एक गाना भी करते हुए नजर आएंगे दिशा पाटनी के संग राधे उनकी अपकमिंग फिल्म में। दोस्तों ये तो पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, पर ये दोनों की पेयरिंग अगर एक साथ की जाएगी तो ये डेफिनेटली एक हॉट एंड सिजलिंग पेयर साबित होगा। आप कितने एक्साइटेड है दिशा पाटनी और असीम रियाज को एक साथ देखने के लिए बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।
संकेत भोसले और सुगंधा मिश्रा की एक पुरानी तस्वीर है जो बड़ी ही वायरल होते हुए नजर आ रही है। चलिए बताते हैं आखिरकार इस तस्वीर में ऐसा खास क्या छुपा है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने हाल ही में सभी को शॉक कर दिया और सरप्राइज कर दिया अपनी प्री वेडिंग फोटोज के साथ। दोस्तों इन दोनों ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं 26 अप्रैल को। और इसी बीच एक तस्वीर है उनकी सलमान खान के साथ जो बड़ी ही वायरल होते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर जो है ये 2019 की तस्वीर है, जो तस्वीर शेयर की गई थी संकेत द्वारा, जहां पर सुगंधा, संकेत और भाईजान सलमान खान दिख रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले ही भाईजान सलमान खान को ये अंदाजा लग गया था कि ये दोनों जल्द ही शादी करेंगे और इनके शादी के लिए उन्होंने होस्ट किया था ये डिनर पार्टी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस तस्वीर में भाईजान सलमान खान एक रेड कलर के टी शर्ट में दिख रहे हैं, सुगंधा ने ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का आउटफिट पहना है और संकेत जो है वो ब्लैक कलर के टी शर्ट में बड़े ही गुड लुकिंग लग रहे हैं। तो दोस्तों ये तस्वीर जो है अब बड़ी ही वायरल होते हुए नजर आ रही है। आप इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि आपको क्या कहना है सुगंधा और संकेत के जोड़ी के बारे में। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर में खेलते हैं गोविंदा के दामाद। चलिए बताते हैं आखिरकार ये खिलाड़ी कौन है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि गोविंदा के दामाद है नीतीश राणा, जो सलामी बल्लेबाज है टीम केकेआर के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि हाफ सेंचुरी हो जाने के बाद नीतीश राणा ने अपने लेफ्ट हैंड में जो उनकी रिंग है वो भी दिखाई और उनकी हाफ सेंचुरी जो है वो डेडिकेट की अपनी पत्नी साची मारवा के नाम। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बल्लेबाज ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी है हाल ही में, क्योंकि उनका जो गेम है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है दर्शकों द्वारा और फैंस द्वारा। दोस्तों आपको बता दूं कि केकेआर ये टीम जो है वो बहुत अच्छे से खेलते हुए नजर आ रही है इस बार के आईपीएल में। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश राणा इस टीम को मदद करेंगे फाइनल्स तक पहुंचने के लिए और क्या केकेआर बनेगी इस साल की आईपीएल विनर? क्या लगता है आपको, क्या कुछ है आपकी राय बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म में क्या नहीं होगा एक भी गाना? चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म का जब से टीजर लॉन्च हुआ है तभी से ये फिल्म बड़े ही चर्चे में है। इसी के साथ साथ ये बता दूं आपको कि फिल्म में आलिया भट्ट एक भी गाना नहीं करने वाली है। तो आखिरकार क्या ये फिल्म होगी सॉन्गलेस? नहीं दोस्तों, इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना है और वो गाना करने जा रही है हुमा कुरैशी। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी ये फिल्म 30 जुलाई 2021 को थिएटर्स में आने वाली है। हालांकि अब कोरोना के चलते ये फिल्म की रिलीज डेट आगे पोस्टपोन होगी या नहीं ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म को लेकर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे गए, पर अब भी फैंस के दिलों में राज करते हुए नजर आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी के कैरेक्टर में आलिया भट्ट। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।